गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे हम लोग हिंदी में तंत्रिका कोशिका और इंग्लिश में कहते हैं नर्व सेल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्व सेल के स्ट्रक्चर की डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन क्या चीज़ होती है, आपको बता दूं कि ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। मतलब न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ये जो न्यूरॉन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का मतलब हमारा ब्रेन और ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती हैं जो हमें बाहर के वातावरण के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो बनता है न्यूरॉन से। हज़ारों लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स मिलती हैं और हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। नर्वस सिस्टम पर मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लें कम शब्दों में कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत ब्रेन आता है और ब्रेन से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर बहुत सारी नर्व्स पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क फैलाती हैं, जिस नेटवर्क को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और इसी नर्वस सिस्टम के वजह से हम बाहर की चीज़ों को रिसीव कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को हम देखकर समझ पाते हैं या किसी चीज़ को सुनकर हम जान पाते हैं कि ये क्या है। तो ये सारी बाहर की चीज़ें हमें कौन बताता है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है उसकी सबसे बेसिक यूनिट, उसकी फंडामेंटल यूनिट कहलाती है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। तो नर्व सेल के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें बहुत क्लियरली आपको चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं कि जो हमारी न्यूरॉन होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऊपर का ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं साइटॉन, और नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं उसे हम कहते हैं एक्सॉन। तो दो मेन पार्ट्स हैं, साइटॉन और एक्सॉन, जिसके बेस पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। बट उससे पहले हम लोग जानते हैं न्यूरॉन की डेफिनेशन को, कि अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ न्यूरॉन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि न्यूरॉन्स और द नर्व सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। यानी कि न्यूरॉन या जो नर्व सेल है, जिसे हिंदी में हम तंत्रिका कोशिका कह रहे हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम की यानी तंत्रिका तंत्र की और ब्रेन की सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल यूनिट होती है, या कह सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम की। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक बार मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आप लोग डायग्राम पर फोकस करें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये एक नर्व सेल है, इट्स अ नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल का ऊपर का जो राउंडेड पार्ट आप दिख रहा है आपको, ये कहलाता है साइटॉन। इसे हम लोग साइटॉन, सेल बॉडी, सोमा, कई नामों से जानते हैं। और नीचे का ये जो फाइबर जैसा पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और इसी को नर्व फाइबर भी हम बोल सकते हैं। अब हमारा ये जो साइटॉन होता है, पहले ऊपर के पार्ट को हम देखते हैं, तो साइटॉन लगभग आप देख पा रहे हैं हल्का राउंडेड सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस साइटॉन के अंदर न्यूक्लियस है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो दैट इज द न्यूक्लियस। इसके साथ ही साथ इसमें आसपास क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। अब चूंकि ये सेल बॉडी की तरह है तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी कई सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत खास बात जानने वाली है, वो क्या कि इस सेल के अंदर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में हम तारक काय कहते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। अब चूंकि सेंट्रियोल यहाँ पर नहीं है, सेंट्रोसोम यहाँ पर नहीं है, इसलिए न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। ये सबसे खास बात आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि हमारा जो न्यूरॉन है उसकी सेल के अंदर या साइटॉन के अंदर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं हो पाती हैं। ओके, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे यहाँ पर मिलेंगे आपको सेंट्रोसोम को छोड़कर। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के ग्रेन्यूल्स जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे कण मैंने बनाए रेड कलर से दिखाए हुए यहाँ पर, इनको हम कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। अब ये जो निसल्स ग्रेन्यूल हैं ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बने होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम्स को काम होता है उनका प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो एक तरीके से निसल्स ग्रेन्यूल प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। अब ये तो हो गया इसके साइटोप्लाज्म का। इसके आसपास आप देख पा रहे हैं कुछ उभार निकले हुए हैं जिनको हम प्रोसेसेस बोल रहे हैं।
इनको कहा जाता है डेंड्रॉन। तो साइटॉन के चारों तरफ से कई सारे प्रोसेसेस या उभार निकलेंगे, प्रवर्ध निकलेंगे, जिन्हें हम कहेंगे डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन्स कई सारे निकले हैं, आगे जाकर डेंड्रॉन्स कई सारी ब्रांचेस बना लेते हैं और इस तरीके की ब्रांचेस आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो पहले था साइटॉन, साइटॉन से निकले डेंड्रॉन और डेंड्रॉन ने कई सारी ब्रांचेस बनाई, उनको हमने क्या कहा, डेंड्राइट्स। इसके बाद ये तो ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपने देख लिया डेंड्रॉन को, डेंड्राइट्स को, न्यूक्लियस भी दिख गया आपको, निसल्स ग्रैन्यूल्स भी दिख गए, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब नीचे का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। अब हुआ क्या कि हमारा जो साइटॉन था उससे एक बहुत ही लंबा सा प्रोसेस निकला जिसका नाम क्या है, एक्सॉन, जिसे हम नर्व फाइबर भी बोल देते हैं। अब ये जो एक्सॉन होता है साइटॉन से जिस जगह पर ये अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन हेलॉक, और इसके नीचे का पूरा पार्ट क्या है, एक्सॉन है। तो चलिए अब एक्सॉन पर नजर डालते हैं। एक्सॉन जो होता है वो लंबा सा है, रॉड के जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, और एक्सॉन के बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेम्मा। तो एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेम्मा, उसे हम एक्सोलेम्मा कहते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। तो मेम्ब्रेन का नाम एक्सोलेम्मा और उसके अंदर भरे हुए साइटोप्लाज्म का नाम एक्सोप्लाज्म। तो ये तो हो गया साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म। अब सबसे नीचे की तरफ जो हमारा एक्सॉन होता है उसमें कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। तो ये टीलोडेंड्रिया होती हैं कई सारी, आप देख पा रहे हैं, और टीलोडेंड्रिया के एंड पर गोल गोल सी नोड जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड्स या सिनेप्टिक बल्ब भी बोल देते हैं। इनके अंदर होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर रखती हैं अपने अंदर। अभी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी के लिए हम चूंकि स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं न्यूरॉन के, तो मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करने जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो हमने देखा कि एक्सॉन के नीचे कई सारे ब्रांचेस बन गए जिनको हमने कहा टीलोडेंड्रिया, और टीलोडेंड्रिया की टिप पर पाई जाती हैं कई सारी नॉब जैसी स्ट्रक्चर्स जिनको कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब्स। ओके, अब अगली चीज़ आपको क्या देखनी है कि ये जो हमारा एक्सॉन है इसके चारों तरफ ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया हुआ है एक शीत चढ़ी होती है। शीत का मतलब एक आवरण लगा होता है जिसको कहा जाता है माइलिन शीत। अभी जो माइलिन शीत होती है ये एक्चुअली वाइट कलर की होती है, और इस माइलिन शीत के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं न्यूरिलेम्मा। ओके, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर सारे नाम मैंने अलग अलग क्लियर किए हैं। कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सेंटर में हमारा क्या आया है, एक्सॉन आया है। एक्सॉन के अंदर का लिक्विड क्या है, एक्सोप्लाज्म है। एक्सॉन की जो लेयर है आप उसे क्या कहेंगे, एक्सोलेम्मा। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म। और ये जो मैंने पिंक कलर से यहां पर दिखाया है ये क्या है, माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ के ऊपर एक और लेयर है दैट इज कॉल्ड न्यूरिलेम्मा। और ये न्यूरिलेम्मा में मैंने कहीं कहीं पर इसके न्यूक्लियस भी दिखाए हुए हैं। ओके, अब यहां पर एक और चीज देखने वाली है कि जो ये माइलिन शीथ होती है ये कंटिन्यूअस नहीं होती, ये बीच बीच में गैप्स बनाती है। आप गैप्स देख पा रहे हैं, इनको हम माइलिन शीथ गैप कह सकते हैं। इनके लिए एक अलग से नाम यूज होता है, नोड ऑफ रैनवियर या रैनवियर नोड। तो इन्हें रैनवियर के नोड भी बोला जाता है। ये बीच में जितने भी आप स्पेस देख रहे हैं इन सभी स्पेस को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। मतलब हमारी जो माइलिन शीथ आ रही है एक्सॉन के ऊपर वो बीच बीच में ब्रिक है, कहीं कहीं पर टूटी हुई है और कंटिन्यूअस नहीं है, जिससे कुछ गैप्स बन रहे हैं, और इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, इन गैप्स को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन करके बता दिया। अब यही सारी बातें यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई हैं, तो आप लोग नोट्स में भी इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। चलिए, तो थ्योरी में भी देख सकते हैं, ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मैंने डेफिनेशन क्लियर ही कर दी थी, अब इसके आगे की कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कैसे हम एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूरॉन रिसीव्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारी न्यूरॉन होती है ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से सिग्नल्स को या नर्व इम्पल्स को रिसीव करती है। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करिए कि आपने किसी सरफेस को टच किया, अब वो सरफेस ठंडी है या गर्म है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सबसे पहले हमारी स्किन में, और स्किन से जो न्यूरॉन्स अटैच होंगी उन न्यूरॉन्स पर इसकी सूचना जाएगी। यानी कि ये जो सूचना थी इसी को हम कह रहे हैं नर्व इम्पल्स। तो बाहर से जितनी इन्फॉर्मेशन है
लाइक टच करने पर हमें ठंडा या गर्म पता चल रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी, न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन तक पहुँचेगी। तो न्यूरॉन्स इस नर्व इम्पल्स को लेकर आगे ब्रेन तक जाएंगी और फिर ब्रेन से रिस्पॉन्स लेकर भी न्यूरॉन्स ही आएंगी। ओके, तो न्यूरॉन रिसीव एंड ट्रांसमिट, न्यूरॉन बाहर के सिग्नल्स को रिसीव करती है एंड ट्रांसमिट आगे बढ़ाती है सिग्नल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अलग अलग भागों में इसको पहुंचाती है सिग्नल्स को। अ नर्व सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। अभी जो हमारी न्यूरॉन या नर्व सेल है इसको दो प्रमुख भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर वन, साइटॉन और सेल बॉडी। आप देख सकते हैं ऊपर के पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, साइटॉन या सेल बॉडी। इसे हम सोमा, पेरिकैरियन कई नामों से जानते हैं। तो साइटॉन इज द अपर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। हर लाइन के साथ हम डायग्राम को समझेंगे कि साइटॉन हमारा क्या है, अपर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का ऊपर का भाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, और सभी कोशिकांग सच एज, जैसे क्या क्या है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने देख पाया ये क्या मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हुए हैं, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसे कहते हैं हिंदी में तारक काय, तारक केंद्र, ये टोटली एबसेंट होते हैं। और क्यों एबसेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल का डिवीज़न नहीं होता, सेंट्रोसोम की मदद से ही सेल डिवीज़न होता है। चूँकि सेंट्रोसोम एबसेंट हैं इसलिए न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होते। ओके, इट्स साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ निसल्स ग्रन्यूल। अब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या है, निसल्स ग्रन्यूल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इनसे बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। नाउ साइटॉन गिव राइज न्यूमरस प्रोसेसेस नोन एज डेंड्रॉन। साइटॉन से कई सारे प्रोसेस निकले हुए हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, डेंड्रॉन, एंड विच फर्दर डिवाइड्स एंड इन टू मैनी ब्रांचेज नोन एज द डेंड्राइट्स। और ये हमारे डेंड्रॉन कई सारी ब्रांचेज में बट गए हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे साइटॉन के बारे में। अब हम नीचे के पार्ट की यानी एक्सॉन की बात करेंगे। तो इट इज़ द लॉन्ग अनब्रांच्ड बेसल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। हमारा जो नीचे का पार्ट है वो लॉन्ग लंबा सा है, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड का मतलब क्या होता है, अशाखित, कोई ब्रांच नहीं है इसमें। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बेसल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का नीचे का भाग होता है। इट्स साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड द मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोलेम्मा। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सोलेम्मा। तो बाहर की मेम्ब्रेन एक्सोलेम्मा, अंदर का लिक्विड एक्सोप्लाज्म। द जंक्शन ऑफ एक्सॉन एंड साइटॉन इज नोन एज एक्सॉन हेलॉक। तो जंक्शन का मतलब जोड़, जहां पर हमारा साइटॉन और एक्सॉन मिलेंगे उस जंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सॉन हेलॉक बोलेंगे यहां पर। इसके बाद आप देख पा रहे हैं इट्स टर्मिनल एंड इज नोन एज टीलोडेंड्रिया। इसके निचले सिरे पर ये जो पार्ट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। और लास्ट में लिखा है विच बियर्स सिनेप्टिक नोड्स। और आपके टीलोडेंड्रिया पर सिनेप्टिक नॉब्स या सिनेप्टिक नोड्स आई जाती हैं जिन्हें सिनेप्टिक बल्ब भी बोलते हैं हम लोग। एक्सॉन इज सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्सॉन है इसके चारों तरफ ये जो पिंक कलर से मैंने दिखाई है वो एक्चुअल वाइट होती है, इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। तो हमारा एक्सॉन जो है वो माइलिन शीथ से घिरा हुआ है। ओके, विच इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज न्यूरिलेम्मा या न्यूरोलेम्मा। तो हमारा जो माइलिन शीथ है जो मैंने रेड से या पिंक से बनाया है उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ये मैंने क्या बनाया है, न्यूरिलेम्मा बनाया है, एक और लेयर है जिसको हम कह रहे हैं न्यूरिलेम्मा। और न्यूरिलेम्मा में ही हमने यहाँ पर न्यूक्लियस भी दिखाए हुए हैं, न्यूरिलेम्मा में न्यूक्लियस भी होते हैं। तो एक्सॉन इज सराउंडेड बाय माइलिन शीथ, एक्सॉन माइलिन शीथ से घिरा हुआ है, विच इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन जिसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है नोन एज न्यूरिलेम्मा जिसे हम न्यूरिलेम्मा कहते हैं। माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारी जो माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो ब्रेकेज है। आप कई जगह पर देख पा रहे हैं ब्रेक है, उसमें टूटा हुआ है कह लें या बीच बीच में छूटा हुआ है। ये जो गैप होते हैं इसके लिए लिखा है कि माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस एट रेगुलर इंटरवल्स, माइलिन शीथ इज एब्सेंट। बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स का मतलब लगातार, एक बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर इंटरवल्स। तो रेगुलर इंटरवल्स पर हमारी माइलिन शीथ क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, दिस एब्सेंट एरिया इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर और माइलिन शीथ गैप्स। ये जो हमारा बीच बीच में खाली जगह है उसको हम
नोड ऑफ रैनवियर या माइलिन शीथ गैप के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बात हो गई हमारे एग्जॉन के बारे में। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बातें मैं और बता देता हूँ इन शॉर्ट फंक्शन के बारे में। अभी भी मैंने बताया कि जो नर्व्स होती हैं यानी जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो नर्व इम्पल्स को एक्सेप्ट करती हैं। तो ये जो नर्व इम्पल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, ये जितनी भी आप डेंड्राइट्स देख पा रहे हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं इन पर रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं जो बाहर के नर्व इम्पल्स को एक्सेप्ट करती हैं और साइटोन की तरफ लाती हैं। तो नर्व इम्पल्स कहाँ आते हैं, साइटोन में, और साइटोन से उसे एग्जॉन में पास किया जाता है, एग्जॉन से वो टीलोडेंड्रिया में आते हैं, सिनेप्टिक नोड में जाते हैं नर्व इम्पल्स, और सिनेप्टिक नोड से अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट जुड़ी होती हैं, और इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, और धीरे धीरे नर्व इम्पल्स बॉडी में आगे बढ़ती रहती है। इस चीज़ को मैंने भी शॉर्ट में बताया है, डिटेल में मैं आगे की वीडियोज़ में बात करूँगा न्यूरॉन के फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया, आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।